बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो वेजिटेबल कटलेट्स, जो कि बहुत ही इजी वे में हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने आलूओं को बॉईल कर लेना है, फिर उनको हमने कट करके एक बाउल में डाल दिया और फिर हम इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे। जब तक हम इसे मैश कर रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आलू को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च जिसको आप देख सकते हैं हमने छोटा कट किया है। फिर हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और टमाटरों को भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया है और कोशिश करेंगे कि इसका पानी जो है वो निकल गया हो। और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च। इसके अंदर सिर्फ हमने तीन इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मसाले जात, एक काली मिर्च डालेंगे, फिर हसबे जायका नमक डालेंगे और वो लाल मिर्च डालिए। और ये इस इन्हीं तीन इंग्रेडिएंट से इतनी मज़ेदार बनेगी कि इंशाल्लाह ताला आपका दिल चाहेगा इसको देख करके आप वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ। फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। हसबे जायका नमक जो है वो आप अपने मुताबिक डाल दीजिएगा। और इधर हम इसके अंदर डाल देंगे मैदा। मैदे को डालने के बाद इसको हम कर लेंगे मिक्स। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पहले इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर हम इसके अंदर अंडा जो है वो डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर भी हमने जो मिक्सचर है उसके अंदर भी हमने डाल दिया था थोड़ा सा घी। और फिर उसके बाद हमने हाथों पर जो है वो ऑयल लगा लिया और फिर हमने इसके इस तरीके से कटलेट्स जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। और इधर हमने अपने पैन के अंदर ऑयल जो है वो डाल दिया और ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद हम पैन के अंदर हमने जो कटलेट्स बनाए हैं वो डाल देंगे। और इस तरीके से हम इसके अंदर सारे जो है वो डालते जाएंगे। और जी ये पकना जो है वो शुरू हो चुके हैं और हमने इसके अंदर और भी डाल दिए हैं। और अभी हम इनकी साइज जो है वो चेंज कर लेंगे। ये देखिए जो हमने पहले डाले थे वो तकरीबन दोनों साइड से जो है वो हो चुके हैं, वो हम निकाल लेंगे। और बाकी भी थोड़े थोड़े बचे हैं तो हम उनको भी फ्राई करके बिल्कुल निकाल लेंगे। और जी ये देखिए अभी हमने डिफरेंट शेप से बनाए हैं, वो हर शेप में ये स्टार में इस शेप्स में आप बच्चों को बनाकर दें तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और जी उनको पहले हमने फ्राई कर दिया, फिर हमने थोड़े से और डाले, फिर हमने उनको भी फ्राई कर लिया। जो हमने पहले डाले पहले उनको फ्राई कर लेंगे, अगर कोई रहता हुआ तो उसको भी फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। सो इस तरीके से हमारी रेसिपी जो है वो तैयार है। ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।